सपना चौधरी और खेसारी लाल यादव का एक हरियाणवी गाना आज रिलीज़ हुआ है मटक मटक के, और जिसने 8 घंटे में 1 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया है। जी हाँ, अगर आपने ये गाना नहीं देखा है तो देखिए, वाकई गाना बहुत खूबसूरत है। और खेसारी के ताल से ताल मिलाने की जो आदत है वो इस गाने में दिख रही है। हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ खेसारी ने अपनी आवाज़ का जादू तो नहीं बिखेरा है, लेकिन डांस का जादू ज़रूर बिखेरा है। जी हाँ, पहली बार खेसारी लाल यादव किसी ऐसे एल्बम में आ रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं दी है, बल्कि एक हरियाणवी सिंगर ने उनके लिए आवाज़ दी है, और ये आवाज़ खेसारी पे सूट भी हो रही है, जच भी रही है। साथ ही आपको ये बता देते हैं कि इसका एक माइनस पॉइंट ये हो गया है कि खेसारी अपने आप में बड़ा नाम है, सपना चौधरी वो भी अपने आप में बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी गाने के व्यूज़ को अगर आप देखने जाएंगे तो आपको निराशा ही हासिल होगी, क्योंकि गाने ने 8 घंटे में 1 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया है। इस गाने को तो तकरीबन 1 से 2 घंटे के बीच में ही 1 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेना चाहिए। वैसे अमूमन खेसारी लाल यादव अगर सोलो गाना लेकर आते हैं तो वो भी इतने टाइम में 1 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ तो 2 सुपरस्टार मिले हुए हैं, सपना और खेसारी, तो इस गाने को और भी व्यूज़ वाइज आगे बढ़ना चाहिए था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पवन सिंह अपने आप में एक बड़ा नाम है। लेकिन कल जो उनका गाना रिलीज़ हुआ था खिलाड़ी नेकी, जो गाना था, इस गाने को व्यूज़ बहुत कम आए हैं। गाने को लोगों ने पसंद तो किया है, लेकिन अगर आप देखने जाएंगे तो व्यूज़ के मामले में एक दिन में इस गाने ने 1.5 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया है, जबकि पवन के गानों का इंतज़ार लोगों को रहता है। गाना अच्छा है लेकिन पिक्चराइजेशन में कहीं कोई कोट कसर रह गई, इस वजह से गाना लोगों को उतना नहीं भाया जितना भाना चाहिए था। लेकिन यहाँ अगर आप सपना चौधरी और खेसारी लाल यादव के गाने की बात करें तो इस गाने में कोई कोट कसर छोड़ी नहीं गई है, लेकिन फिर भी व्यूज़ बहुत कम आए हैं। इसका मतलब या फिर गाने को खेसारी के फैंस देख रहे हैं या फिर सपना चौधरी के। अगर इन दोनों के फैंस ने इस गाने की ओर ध्यान दिया होता तो आज का ये गाना अब तक ट्रेंडिंग में भी होता और बम्पर हिट भी होता। लेकिन हो सकता है कि गाने के प्रमोशन में कोई कमी रह गई हो, किसी भी तरह की कोई कहीं चूक रह गई हो, लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसी गड़बड़ हुई है जो इतना बड़ा लूप, इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वैसे अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं बीता है, सिर्फ 8 से 9 घंटे ही बीते हैं गाने को रिलीज़ हुए, अभी पूरा का पूरा टाइम बाकी है। हो सकता है कि व्यूज़ तब कवर हो जाए, लेकिन जिस तरह से गाने की रफ्तार है उसे देखकर थोड़ी मायूसी हाथ लग रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।